हेलो फ्रेंड, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज के इस क्लास में इंपॉर्टेंट एरर्स के क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, काफ़ी सारे मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है इस रिलेटेड, और आप इसे वीडियो के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। साथ ही साथ हम इसे टेलीग्राम पर भी फॉरवर्ड कर देते हैं, जहाँ से आप इसका वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, कोशिश हमारी है कि इसका PDF मैं डाल पाऊँ, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं PDF नहीं डाल पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश रहेगी कि हमारी कुछ दिन में PDF जल्द ही उस पर टेलीग्राम पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, खैर, चूँकि यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट है कि भाई चीज़ें को समझना है, आपको इंग्लिश में इतना अच्छा तो नहीं करना, लेकिन इतना अच्छा ज़रूर करना है कि आपके अच्छे स्कोर आ जाए। ठीक है, जिसमें कि आप क्वालिफाई कर सके। तो आइए आज के इस क्वेश्चन में देखते हैं फटाफट, और सभी क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, आप जरूरी नहीं स्क्रीनशॉट ले लें या कहीं आप नोट कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वी कुड नॉट सी द प्लेसेस क्लियर एज द ट्रेन वॉज मूविंग वेरी फास्ट। मैंने पहले भी बता रखा है, कई बार मैं बताया हूँ, कभी भी एरर आए तो आप हमेशा पार्ट ऑफ अ स्पीच पर पहले फोकस करें कि कहाँ पर क्या एरर हो सकता है आपका। सबसे पहले वर्ब का वर्ब चेक कर सकते हैं, नाउन चेक कर सकते हैं, एडवर्ब चेक कर सकते हैं, प्रीपोजिशन चेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखा वी कुड नॉट सी, ठीक है, वी कुड नॉट सी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आगे अगर बात करते हैं द प्लेसेस क्लियर। अब देखिए द प्लेसेस क्लियर की बात हो रही है, तो क्लियर क्या है यहाँ पे? वैसे तो ये क्लियर क्या होता है, आपका एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया कि वी कुड नॉट सी, क्या नहीं देख सकते भाई, क्लियर किस क्या नहीं देख सकते, जो जगह है उसको हम लोग क्लियर नहीं देख सकते, है ना। तो क्या है, क्लियर देख नहीं सकते, क्लियर देख नहीं सकते, देखने की बात हो रही है, जो जगह है उसको क्या कर सकते, देख नहीं सकते। ये सी है, सी के लिए यहाँ पे क्या बात हुआ है, क्लियर कि क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो ध्यान रखिएगा, जब ये यहाँ पे क्या है, सी क्या है आपका, ये वर्ब है। ठीक है, सी क्या है यहाँ पे, एक वर्ब है, तो वर्ब की जो विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव नहीं बताएगा। ठीक है, एडजेक्टिव नहीं बताएगा बल्कि एडवर्ब बताएगा। ठीक है, तो आपको क्या यहाँ पे करना होगा, क्लियरली करना होगा। ठीक है, क्लियर क्या है यहाँ पे, क्लियर यहाँ पे देखा जाए तो ये एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज़ नहीं करना है, हमें एडवर्ब का यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, सी वर्ब है, वी कैन नॉट सी द प्लेस क्लियरली एज द ट्रेन वॉज मूविंग वेरी फास्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट रूल हो गया, और ये रूल किस पे आधारित था, आपका वर्ब और एडवर्ब से रिलेटेड था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ऑल्दो द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक्स। ठीक है, ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक्स, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ही कुड नॉट, ठीक है, कुड नॉट, चूँकि ये पास्ट में है तो यहाँ पे भी पास्ट के लिए कैन का कुड होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते कि ही कुड नॉट प्रिवेंट, तो जान लीजिएगा प्रिवेंट के साथ प्रीपोजिशन क्या होता है, फ्रॉम होता है, ये भी सही है, प्रिवेंट के साथ प्रीपोजिशन क्या होता है, फ्रॉम होता है, नोट कर लीजिए। ठीक है, प्रिवेंट द बस, यहाँ तक सही है, और ये क्या है, प्रीपोजिशन है, फ्रॉम क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन है ना। तो प्रीपोजिशन के बाद ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो आपका आया है, क्या आया है प्रीपोजिशन के बाद, यहाँ पे हिट, ठीक है, हिट आया है, तो ध्यान रखिएगा प्रीपोजिशन के बाद, ध्यान रखिए प्रीपोजिशन के बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पे चेंजेस, आपको हिट की जगह पे हिटिंग करना होगा, है ना, क्या करना होगा यहाँ पे, आपको यहाँ पे चेंज करना है कि आपको हिट की जगह पे क्या करना है, हिटिंग करना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो चूँकि क्या है, प्रीपोजिशन है, फ्रॉम के यहाँ पे प्रीपोजिशन है, और ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए कि प्रीपोजिशन के बाद आपका जो वर्ड आएगा, ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आएगा, मीन्स कि वर्ड करने का मतलब यहाँ पे ये क्या है, आपका वर्ब है। ठीक है, तो ये वर्ब जो होगा ये ING वाला वर्ब होगा। ठीक है, तो हीट के यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे हीटिंग होगा। ठीक है, हीट के यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका हीटिंग होगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको रूल समझ में आया कि हम जब भी ऐसा देखते हैं, जब भी प्रीपोजिशन अगर देखते हैं तो उसके बाद जो वर्ब होगा वो हम क्या करते हैं, उसमें ING ऐड करते हैं। फर्स्ट में पता चले, फर्स्ट क्वेश्चन में एक नया रूल पता चला वर्ब एडवर्ब का, सेकंड में क्या आपको पता चला, प्रीपोजिशन वाला रूल यहाँ पर पता चला, है ना। चलिए थर्ड में आते हैं, दिलीप्स परफॉर्मेंस इन द फिल्म वॉज बेस्ट दैन अमिस बट वॉज नॉट एज बैड एज विनोस। ठीक है, यहाँ पे दिलीप से और एक अमिस से, इसकी परफॉर्मेंस की क्या हो रही है, ध्यान से पता चल रहा है कि कंपैरिजन हो रहा है,
ध्यान से क्या पता चला है भाई, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है ना, कंपैरिजन हो रहा है। अब जब चूंकि ये कंपैरिजन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि हम कंपैरिजन के लिए क्या करेंगे, जैसे कि क्या होता है यहाँ पे वर्ड्स लिखा हुआ है ना, तो जो वर्ड्स है यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, देखिए बैड वर्ड्स और वर्स्ट होता है ना, ये होता है वर्ब का फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है, बैड, सॉरी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है आपका पॉजिटिव डिग्री है, डिग्री है, कंपैरिजन ऑफ डिग्री, कंपैरिजन की बात नहीं, कंपैरिजन ऑफ डिग्री। जैसे कि ये आपका पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपरेटिव डिग्री है और ये सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर नहीं होता है। कंपैरिजन के लिए हम क्या करते हैं, वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो आपको यहाँ पे वर्ड्स काटना होगा, क्या लिखना होगा यहाँ पे, WORSE। ठीक है, वर्ड्स। तो ऐसे सेंटेंस को ध्यान रखना होगा, बस कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड रूल क्या आपको मिला, कंपैरिजन ऑफ डिग्री से आया क्वेश्चन है ना, कंपैरिजन ऑफ डिग्री, थ्री क्वेश्चन थ्री रूल्स, क्लियर। चलिए, अच्छा इसमें एक चीज़ और रूल आप नोट कर लीजिए, ये एज के बारे में काफ़ी मैंने जिक्र किया है। ठीक है, जैसे कि एज और एज से जब सेंटेंस जुड़ा हो, ठीक है, तो ये क्या हो सकता है यहाँ पे, ये अफर्मेटिव भी होगा, ठीक है, एंड निगेटिव भी होगा। तो एज वाले जब भी सेंटेंस रहेंगे वो अफर्मेटिव में भी होंगे और निगेटिव में, लेकिन सो एज वाला रहेगा सेंटेंस तो हमेशा क्या होगा, निगेटिव ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एज है और यहाँ पे नॉट है तो निगेटिव है, सही है। तो इस तरह से आपको एरर दे दिया जाएगा कि नॉट एज बैड सो बैड एज करके, इस तरह से, ठीक है, आपको दी जाए तो नॉट यहाँ पे हटा दिया जाएगा और यहाँ पे सो बैड एज कर दिया जाएगा, तब एरर क्या होगा वहाँ पे, चूंकि वो नॉट वाला तो है नहीं, नेगेटिव वाला तो है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एज का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मैंने कई सारे वीडियो बनाए तो उसमें एज वाला मैंने मेंशन किया। तो क्या नोट ये करना कि एज रहे तो अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों में होगा, सो एज रहे तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में होगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द गर्ल वर प्लेइंग आउटसाइड, ठीक है, द गर्ल वर प्लेइंग आउटसाइड द हाउस वेयर एज द बॉयज वर सिटिंग इनसाइड एंड प्लेड कार्ड्स। अब देख लीजिए, एक वर्ड यहाँ पे दिख रहा है प्लेड, कहीं पे भी ये पास्ट में यहाँ पे दिख रहा है जो कि गलत है। सारे जगह देख लीजिए प्लेइंग है, ये कंटिन्यूटी की बात हुई, क्या की बात हुई, कॉन्टीन्यूटी की बात हुई, कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू की बात हो रही है, कंटिन्यूटी या कंटिन्यू की बात हो रही है। ठीक है, तो जब चीज़ें कंटिन्यू की बात हो रही है या कंटिन्यूटी की बात हो रही है तो ध्यान रखना है ये चीज़। एक तो पहले यहाँ पे देख लीजिए क्या है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब कही है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ये क्या है, मेन वर्ब है। तो एक हेल्पिंग वर्ब के साथ जब दो मेन वर्ब रहे ऐड, तो ये तो आपका होगा ही, ये तो है आपका कंटिन्यूस वाला, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस वाला, तो ये भी आपका क्या होगा, कंटिन्यूस वाला ही होगा। तो आपको क्या करना होगा, प्लेइंग करना होगा, प्लेड नहीं होगा, प्लेइंग कार्ड्स, द बॉयज वर सिटिंग इनसाइड एंड प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, चलिए, तो आपने यहाँ पे वर्ब से रिलेटेड भी एरर देख लिया। चलिए चलिए, ये पांचवा क्वेश्चन लगता है फिर से रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे इसका जिक्र अगर हुआ है तो कर ही देता हूँ। ठीक है, वी कुड नॉट सी द प्लेस क्लियरली, ठीक है, सी के लिए वर्ब के लिए क्या आता है, एडवर्ब आता है, तो यहाँ पे क्लियरली करिए। इसका क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन में मेंशन किया गया था, दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल दो ही पेशेंट वॉज रूडली विद द नर्स, ठीक है, ही बिहेव नाइसली विद द डॉक्टर्स। अब देखिए, ऑल दो द पेशेंट वॉज, पेशेंट कैसा था भाई, पेशेंट क्या है यहाँ पे, नाउन है, पेशेंट कैसा था, रूडली था या रूड था, तो यहाँ पे रूड होगा, क्या होगा आपका, रूड। क्यों होगा, क्योंकि ये नाउन है और नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव बताता है, कौन बताता है, एडजेक्टिव, ना कि एडवर्ब। ठीक है, यहाँ पे जो रूडली आप देख रहे हैं ये एडवर्ब है जो कि गलत है, आपको क्या करना होगा, एडजेक्टिव करना होगा। ऑल दो द पेशेंट, पेशेंट क्या है, नाउन है, और नाउन के लिए हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। विद द नर्स ही बिहेव, देखिए
ही बिहेव्ड एक वर्ब है, सेंटेंस ओके सही है लेकिन मैं यहाँ से समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे ही बिहेव्ड वर्ब है और वर्ब की विशेषता कौन बताया था, एडवर्ब। तो ये सही है, यहाँ पे ये एडवर्ब सही है, ठीक है। नेक्स्टली क्या है यहाँ पे, एडवर्ब, तो ये तो सही है लेकिन चेंज क्या करना था आपको, रूडली की जगह पे रूड करना था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि मोना वॉशेस ऑल हर क्लॉथ्स एंड कुक्स फूड फॉर द फैमिली बिफोर सी गोइंग टू द ऑफिस। अब देखिए, जब आपका जो होता है कोई काम जो होता है कि हमेशा होने वाला होता है ना, एक हैबिट होता है, ठीक है, हैबिट की बात होती है, हैबिट। तो हैबिट में पता है क्या हम लोग करते हैं, प्रेजेंट इनडेफिनिट का यूज़ करते हैं, ठीक है। कैसे टेंस को यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इनडेफिनिट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हैबिट ही तो है, उसका काम ही है भाई क्लॉथ्स को धोना और खाने को पकाने फैमिली के लिए, ठीक है, अपने ऑफिस जाने से पहले। तो यहाँ पे देखने सी गोइंग नहीं होगा, ठीक है, कंटिन्यूटी नहीं बनाना है यहाँ पे, हमें क्या करना है, प्रेजेंट इनडेफिनिट करना है। तो यहाँ पे सी गोज होगा, ठीक है, चूँकि सी क्या है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज होता है और वो होगा गोज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग विद अ वॉल एंड रन अराउंड व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड, ठीक है। जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था उसके वहाँ पे बात हो रहा है कि चलो ये ठीक है, ये पास्ट में है और यहाँ पे पास्ट दोनों में है, लेकिन बात हो रहा है कि यहाँ पे ये क्या है आपका, वर्ब क्या है आपका, एक ऑक्सिलरी वर्ब है या जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ये आपका क्या है मेन वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब और एंड यहाँ पे देखना एंड से जुड़कर दो क्या बन रहा है, मेन वर्ब। तो पहला वर्ब तो आपका है कि कंटिन्यू में है, तो दूसरा भी क्या होगा, कंटिन्यू में होगा, ठीक है, यहाँ पे रनिंग होगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग विद अ वॉल एंड रनिंग अराउंड व्हेन द एक्सीडेंट अकर, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, अविनाश इज नॉट सो गुड अ बैट्समैन टू बी सेलेक्टेड फॉर द नेशनल क्रिकेट टीम। अभी मैंने आपको सो वाला एक केस बताया था कि सोर है तो किससे वो कनेक्ट होगा, एज से कनेक्ट होगा, है ना। और सो एज के लिए मैंने बताया था कि वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव में ही होगा, तो देख लीजिए यहाँ पे निगेटिव भी है, तो इस हिसाब से तो सो एज वाला परफेक्ट होगा। तो मिस क्या है, तो सो एज के बीच में क्या होता है भाई, यहाँ पे एक एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है ना, पॉजिटिव डिग्री का, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पे है, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है और उसके लिए एक नाउन है, ठीक है, गुड अ बैट्समैन, ठीक है। तो क्या छूट रहा है, गुड अ बैट्समैन के बाद हमें यहाँ पे एज करना होगा, ठीक है, सो गुड अ बैट्समैन एज, ठीक है। तो हमें बैट्समैन के साथ बात क्या करना होगा, एज करना होगा, उसके बाद एज टू बी जो है कंटिन्यू आप लिख दीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग विद अ वॉल एंड रन अराउंड व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड। चलिए ये भी क्वेश्चन फिर से दोबारा रिपीट हो गया, कुछ नहीं करना था यहाँ पे, रन के जगह पे आपको क्या करना था, रनिंग करना था, है ना, रनिंग करना था। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन की, ऑल दो ही इज यूजुअली रूड विद, यहाँ पे विद होना चाहिए, विल मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे विद है, ठीक है। ऑल दो ही इज यूजुअली रूड विद एवरी वन, ही बिहेव्ड नाइस विद ऑल ऑफ अस टूडे, ठीक है, ऑल ऑफ अस टूडे। अब देखिए यहाँ पे मैंने अभी भी बताया था कि ही इज यूजुअली, ही वो कैसा है, तो रूड है, ये नॉन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, कौन, एडजेक्टिव, नॉन या प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव, ठीक है, यहाँ तो ठीक है, लेकिन ही सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, ही बिहेव्ड, ठीक है, कैसा, नाइस, नाइस तो एडजेक्टिव है ना, गलत होगा ना, एडजेक्टिव तो नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे ये गलत होगा, बल्कि हमें क्या करना होगा, एडवर्ब करना होगा, क्या करना होगा, एडवर्ब करना होगा, एडवर्ब के लिए क्या करना होगा, नाइसली करना होगा, है ना, तब जाके सेंटेंस सही हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंजलिस परफॉर्मेंस इन द ड्रामा वॉज बेस्ट दैन दीपालीज बट नॉट एज गुड एज वैशालीज। मैंने अभी बताया था कि दो लोगों का कंपैरिजन होता है दैन से, तो दैन के लिए हम क्या करते हैं, ये होता है गुड, ये होता है बेटर और ये होता है बेस्ट, है ना, मीन्स की पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो बात हो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री की, बात कंपैरिजन का हो रहा है, कंपैरिजन के लिए हम क्या करते हैं, बेस्ट का यूज़ नहीं करते, बल्कि क्या करेंगे यहाँ पे, बेटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रहेगी, अंजलिज परफॉर्मेंस इन द ड्रामा वॉज बेटर दैन
तिपालिस बट नॉट एज गुड एज वैशाली। और मैंने अभी बताया था कि एज का कॉम्बिनेशन रहे तो क्या होता है, हमेशा वो हमेशा नहीं, वो नेगेटिव में भी हो सकता है और पॉजिटिव अफर्मेटिव में भी हो सकता है या पॉजिटिव में भी, तो ठीक है ना, नेगेटिव है सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द फायर मैन कुड नॉट सक्सीड इन रेस्क्यू द चाइल्ड ऑल दो देव कुड पुट आउट द फायर। ठीक है, तो देखिए द फायर मैन कुड नॉट, यहाँ पे पास्ट की बात हो रही, पास्ट में कैन कुड की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, और यहाँ पे भी कुड है तो यहाँ पे सही है, लेकिन यहाँ पे आते हैं सक्सीड, सक्सीड के साथ जो देख रहे हैं यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या लगा है, इन, प्रीपोजिशन क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन इन है, तो प्रीपोजिशन के साथ मैंने क्या बताया था, इसके साथ जो वर्ब आएगा उसमें क्या आएगा, आईएनजी होगा, तो यहाँ पे ये जो है रेस्क्यू नहीं हो कल बल्कि क्या होगा, रेस्क्यूइंग होगा, ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा आपको, रेस्क्यूइंग यहाँ पे चेंज करना होगा, ठीक है, आर ई एस सी यू आई एन जी, रेस्क्यूइंग, ठीक है, तब जाके सही होगा, द फायरमैन कुड नॉट सक्सीड इन रेस्क्यूइंग। जैसे ही आप देखें यहाँ पे प्रीपोजिशन इन है, फिर उसके बाद वर्ब आ गया, आपको चेंज करना होगा, द चाइल्ड ऑल दो दे कुड नॉट पुट आउट द फायर, और पुट आउट का मतलब यहाँ देखिए एक फ्रेजल वर्ब भी आ गया, पुट आउट का मतलब क्या होता है, आग को बुझाना, है ना, तो सारा आपस जो है पार्ट ऑफ अ स्पीच हो, फ्रेजल वर्ब, सारी चीज़ का टेस्ट आपको एरर्स कराता है, ठीक है, एरर में सारी चीज़ का टेस्ट ले लिया जाता है, इसलिए ध्यान रखना है कि आपको फ्रेजल वर्ब पर भी ध्यान रखना होगा, और मैंने फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड वीडियो मैंने बना कर रखा है, ठीक है, आप उसे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है, तो पुट ये फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड भी वीडियो है जिसमें 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, जिससे पुट वाला बहुत सारे मैंने बताया था, लगभग 8 से 10 होंगे, आप उन्हें रट लीजिए, तो पुट आउट द फायर, ठीक है। चलिए तो गाइज कैसे लगे वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और आशा करते हैं वीडियो ज़रूर पसंद आया हो तो आप लोग देखेंगे और दूसरों को भी शेयर करेंगे, उनको भी हेल्प मिलेगी, और टेलीग्राम पर हम इसकी पीडीएफ जो है, टेलीग्राम पर इसकी जो पीडीएफ की अगर बात हुई तो अभी डिले हो रहा है कुछ कारणवश, ठीक है, तो जल्द ही टेलीग्राम पर पीडीएफ भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, खैर इसकी वीडियो ज़रूर वहाँ पर मिल जाएंगे, लेकिन हाँ पीडीएफ के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच।